चल दोस्तों, मैं अनुराग आपका स्वागत करता हूँ टेक दोस्त के एक और एक नए फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई फ्लैगशिप फ़ोन और मिड रेंज फ़ोन के बारे में। दोस्तों अक्सर होता ही है कि भाई अभी सैमसंग ने हाल ही में लॉन्च किया भाई, अभी सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus और S9 और iPhone X तो अभी पिछले साल का ही है, और S8 भी आया था पिछले साल, तो Note 8 भी था। तो ये सब जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं ये काफ़ी हाई रेंज के, अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus 65,000 में। भाई बहुत ज़्यादा दाम है भाई, मेरे जैसा आदमी तो कभी नहीं खरीद पाएगा इसको। लेकिन क्यों है इतने ज़्यादा इनके दाम? हम हमेशा यही सोचते हैं भाई कि यार इतना महंगे क्यों है भाई फ़ोन? फ़ोन है 4 GB RAM भाई, 4 GB RAM वाला फ़ोन तो भाई हमको 20-22 हज़ार 15 हज़ार में भी मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 626 तो भाई बहुत सारे फ़ोन में है। तो भाई हम क्यों ये इतने महंगे, आप हमेशा यही सोचते हैं भाई। या तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि क्यों ये फ़ोन इतने महंगे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग, यू आर वॉचिंग टेक दोस्त, हियर वी गो। दोस्तों एक्चुअली होता है ऐसा है कि भाई जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं भाई वो काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी उनके जो हार्डवेयर रहता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो अब दोस्तों एक्चुअली होता ये है कि ये जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी सैमसंग के हो गए, आईफोन हो गए, जो अपने फ्लैगशिप फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती भी हैं, इसी वजह से ये फ़ोन काफ़ी महंगे होते हैं। अभी ये अपना कम से कम पूरा नहीं होकर 60 से 65% तक अपना पूरा खर्चा ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, R&D इसको हम कह सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता ये है दोस्तों कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब रिसर्च, नई नई चीज़ें रिसर्च करना और उसको डेवलप करना, यानी कि नए नए इन्वेंशन करना है। नए नए इन्वेंशन में अपनी टीम पे काफ़ी खर्चा करते हैं। जैसे अभी आईफोन ने फेस अनलॉक लाया तो वो एक नया इन्वेंशन था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो उस चीज़ में उन्होंने काफ़ी खर्चा किया है, इस वजह से वो फेस अनलॉक आ पाया। अभी वीवो ने जैसे अभी स्क्रीन के अंदर ही फिंगरप्रिंट लगाया है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो उस फ़ोन के X20 जो फ़ोन है जिसमें इन बिल्ट स्क्रीन के पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, वो फ़ोन के दाम भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो होता ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनीज बहुत खर्चा करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब कंपनी काफ़ी खर्चा करते हैं अपने R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इस वजह से ये काफ़ी एक मेन रीज़न है उनके फ़ोन के महंगे होने का। अब अगली बात ये है कि भैया फीचर्स इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया हैं भाई। जैसे अब कैमरा इस बार फोकस किया गया, सैमसंग गैलेक्सी S9 जो नया आया है उस पर कैमरा पर काफ़ी फोकस किया गया है, तो काफ़ी एक नया एक ये काफ़ी अच्छा कैमरा है, मैंने खुद उसको यूज़ भी किया है, बहुत बढ़िया कैमरा है उसका। मैं एक फंक्शन में गया था, वहाँ एक इसके पास था सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus, भाई बहुत बढ़िया फ़ोन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई लैग नहीं होता, कुछ नहीं, कैमरा बहुत बढ़िया है। अब होता एक्चुअली ये है दोस्तों कि ये जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं भाई ये बेसिकली भाई हेवी काम करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे आपके बहुत हेवी आपके काम हैं, फिर बहुत मतलब बड़े बड़े आप ऐप चलाते हैं, काफ़ी देर तक गेम्स खेलते हैं, बड़े बड़े फाइल्स आप मैनेज करते हैं फ़ोन में, तो वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो वही होता है दोस्तों कि आप कि कैसे आप अपने फ़ोन को, जैसे आप देखते हैं भैया हम बहुत बड़े 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 ऐप, 100 100 200 200 MB के ऐप्स हम प्ले स्टोर से डाउनलोड, 500 1 GB 1 GB 3 4 GB के ऐप डाउनलोड करके हम खेलते हैं प्ले स्टोर से, तो वो काफ़ी बड़े ऐप्स हैं जो जिनके लिए ज़्यादा रैम होना, अच्छा प्रोसेसर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। यही है बस मेन रीज़न। और जो मिड रेंज फ़ोन होते हैं भाई वो इतने बड़े ऐप्स खेलने लायक नहीं होते हैं, कभी कभी कम GB का रैम, 2 GB 1 GB RAM के आते हैं भाई। सैमसंग के भी फ़ोन आप जानते ही हैं भाई, उस पर और सैमसंग के मिड रेंज फ़ोन से यार दम नहीं है यार, पूरा सेंसर उसमें है ही नहीं, और लाइट सेंसर वगैरह कुछ भी नहीं है उसमें, खाली एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर दे दिया है और वो ऑटो रोटेट वाला ऐसे करने पे ऐसे, वो सब वही टाइप का है बस, और कुछ खास नहीं है। हम बात करते हैं दोस्तों कि जो फ्लैगशिप फ़ोन होता है वो इतना महंगा क्यों होता है, वो मैंने आपको बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसके हैवी फीचर्स की वजह से। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो फ़ोन्स होते हैं, जो मिड रेंज फ़ोन्स होते हैं, मिड रेंज फ़ोन्स भाई क्यों सस्ते होते हैं, यही कि उनसे कंपनी भाई सैमसंग 10 20 हज़ार के फ़ोन भी बनाता है, सैमसंग 70 हज़ार के फ़ोन भी बनाता है, लेकिन सैमसंग जो मिड रेंज फ़ोन होता है उसमें R&D में उतना खर्चा नहीं करता है जितना वो अपने फ्लैगशिप फ़ोन में करता है। जैसे सैमसंग गैलेक्सी S9 में उसने काफ़ी सारे नए नए फीचर्स लाए हैं भाई, फेस अनलॉक मतलब इंटेलिजेंट स्कैनर, S9 का इंटेलिजेंट स्कैनर, तो वो सब चीज़ें जो नई नई चीज़ें लाई हैं, कैमरा में इतना बढ़िया उनका परफॉर्मेंस लाया है कैमरा। अभी जैसे ये फ़ोन है तो अभी इसमें आप सामने लाएंगे पूरा वो रहेगा, पीछे जगह पहले बदल दी, पहले यहाँ पे होता था उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, यहाँ नीचे कैमरा के नीचे ले आए हैं,
तो वो एक काफ़ी सारी नई नई चीज़ें लाई है सैमसंग ने, काफ़ी बदलाव किया है फ़ोन में, अच्छा और बहुत बढ़िया फ़ोन। मैंने खुद मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ये फ़ोन ज़रूर लें, और बस यही है। और मिड रेंज फ़ोन में सैमसंग उतना R&D पे खर्चा नहीं करता भाई, जो है सो है। सैमसंग गैलेक्सी J सीरीज़ आप देख लीजिए, J2, J7, J5, तो ये सब जो फ़ोन्स होते हैं इसमें उतना खर्चा नहीं करती है सैमसंग R&D में। और आईफोन भाई, आईफोन के भी 18-20-22 हज़ार के फ़ोन हैं, और सैमसंग के 1 लाख, आईफोन के 1 लाख के फ़ोन भी हैं। तो 18-20 हज़ार के फ़ोन में भी आईफोन SE जो है 18 हज़ार में फ़ोन है, वो उसमें उतना खर्चा आईफोन ने R&D में भी नहीं किया है। यही कारण, क्योंकि जो कंपनी इतना खर्चा कर रही है इसीलिए वो आपको 65 हज़ार, क्योंकि कोई ऐसी पागल नहीं कि आपको 65 हज़ार का फ़ोन थमा दे भाई। 65 हज़ार में अच्छी खासी बाइक खाई रहती है, लेकिन एक 65 हज़ार में क्यों फ़ोन है, क्योंकि भाई उसमें R&D में इतना खर्चा किया गया है, उसमें इतनी नई नई चीज़ें लाई गई हैं कि उस फ़ोन की कीमत बनती भी है उतना, क्योंकि कंपनी ने खुद उस पर काफ़ी खर्चा किया है, उसकी मार्केटिंग में भी काफ़ी खर्चा होता है, एड्स चलाना वगैरह वगैरह। बस इस वीडियो में बस यही है कि भाई क्यों फ्लैगशिप फ़ोन इतने महंगे होते हैं और क्यों मिड रेंज फ़ोन कम होते हैं। मेन कारण यही है भैया कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए नए इन्वेंशन जो करती है कंपनी, जैसे फेस वाला, बहुत सारी नई नई चीज़ों का इन्वेंशन किया है भाई। आईफोन 2008 में नया लाया एप्पल ने, वही एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था, उसमें भी उसके भी दाम काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन लोगों को खला भी नहीं वो दाम देना, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ी इन्वेंशन थी उस टाइम के लिए। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नीचे कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मैं आपसे विदा देता हूँ, मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।